हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पोर्टेबल ब्यूटेन गैस बर्नर, जो कैंपिंग के लिए जो स्टोव यूज़ होता है छोटा सा वो। तो मैंने ये मंगवाया है अमेजोन से, जिसकी डिलीवरी 2-3 दिन में ही आ गई है। तो अभी इसको खोल के मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हम एक्चुअली कैंपिंग में जाते हैं तो मुझे चाय के बिना चलता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये छोटू सा स्टोव मंगवाया है, जिसके साथ ये जो दो कॉफ़ी के ब्यूटेन गैस साथ में आए हैं, जिसको अटैच करके हम इसको चला सकते हैं। वो भी छोटू है, इसमें हम छोटे से पर्स में भी आ सकता है, देख सकते हो। बहुत ही छोटा है, 999 रुपीज़ में मिला है मुझे ये। अभी इसको हम चला के देखेंगे कि ये एक गैस की बोतल जो है वो कितने टाइम तक चलेगी, और इसको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा घूम सकता है ये, जैसे आपको रखना है, जिस तरह का बर्तन होगा उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप। तो गाइज़, ये है इसका मैनुअल, अगर आपको इसको ऑपरेट करना नहीं आता है तो ये मैनुअल देख सकते हो। तो इसमें ब्यूटेन गैस होता है, तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार। अगर अब हम जाएंगे ट्रेकिंग के लिए तो इसको लेके जाएंगे, जिसका वीडियो हम डालेंगे तो आप देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ये जो बड़ा वाला कैंपिंग स्टोव है उसमें भी यूज़ कर सकते हो, छोटू सा ये जो पोर्टेबल स्टव है इसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसे हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं पहले। तो उसके पहले तो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि ये इनका स्टैंड है जिसे ओपन करना रहेगा। चारों तरह से ओपन करने के बाद ये लाइटर है जो इन बिल्ड आता है, और ये नोब है। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले 0 पे रखना होगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करना होगा, उसके बाद इसे दबाना होगा। इसके ऊपर बर्तन आएगा, कोई भी वेसल इस पर रख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसे। पहले तो ये जो सिलेंडर है उसे इसमें डालना होगा, ये छोटू सा होल दिख रहा है उसमें इसको एडजस्ट करना होगा। डायरेक्ट इसको नहीं डालना है, थोड़ा सा इसको घुमाना रहेगा, घुमाने के बाद ही ये अंदर जाएगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, पहले स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना कि ये 0 पर हो। तो इसको हम डालेंगे इसमें भी, एक्चुअली मुझे थोड़ा डर लग रहा है। oh, no! तो देख लीजिए हो गया है, तो देख लेना, पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें देख लेना, चेक कर लेना कि इसमें कोई स्मेल ना आ रही हो गैस लीक होने की। उसके बाद ये जो नोब है उसे ओपन करना होगा, और उसके बाद ये जो लाइटर है उसे प्रेस करना होगा, तो हमारा गैस छोटू सा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार स्टार्ट। तो गाइस पहले ये 0 है, तो हमें इसे थोड़ा स्टार्ट करना रहेगा। अभी इस लाइटर को प्रेस करना रहेगा। तो देखिए हमारा जो गैस सिलेंडर है वो स्टार्ट हो गया है। इसे हम हाई फ्लेम कर सकते हैं, लो फ्लेम कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप, इजी है, इसे डिसेंबल करना भी इजी है, तो वो मैं आपको डिसेंबल करके दिखाती हूँ। गाइस इसे डिसेंबल करने से पहले हम पहले 0 पर कर देंगे इसका नोब, उसके बाद हमें इससे निकाल लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिसेंबल करके। डिसेंबल करते टाइम भी ध्यान रखना है कि इसको सीधा नहीं निकालना है, इसको थोड़ा घुमा के उसके बाद ही निकालना है, ले मत। तो गाइस नीचे से बहुत गर्म हो जाता है ये, तो इसे डिसेंबल करने के लिए भी हमें इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। बहुत ही इजी है इसे यूज़ करना। उसके बाद इसके जितने भी स्टैंड है वो सब बंद कर देने हैं। तो जो मैं ट्रैकिंग पे जाऊंगी तो इसका यूज़ करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी और इसका ब्लॉग बनाऊंगी। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।